ओंकार की ध्वनि अकेले कर लो और गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा का चिंतन करना है और ह्रीम बीजाक्षर से एनर्जी कैसे लेना उन प्रभु से उसका बता रहे हैं। बहुत अच्छा। ओ गहरी श्वास नाभि तक लें, नाभि से उस ह्रीम बीजाक्षर को उठाएं। अब दृष्टि अपने ज्ञान केंद्र की ओर केंद्रित करें, माथे के बीचों बीच सफेद रंग से लिखे हुए चंद्रमा की चांदनी की भांति प्रकाश को फैलाते हुए उस ह्रीम बीजाक्षर को सिर्फ देखें। ह्रीम बाहुबली भगवान की प्रतिमा को सिर्फ खड़े होकर के निहारें। वे अरिहंत प्रभु जो अनंत शक्ति संपन्न हैं, उनसे अपने भीतर उस शक्ति को प्रवेश कराना है। प्रभु की आंखों की ओर दृष्टि लाएं, उनकी आंखों से निकलते उस ह्रीम बीजाक्षर को देखें और अपनी आंखों में प्रवेश करता हुए देखना है। ह्रीम दृष्टि दोनों आंखों की ओर रखें, दोनों आंखों से निकलते उस ह्रीम बीजाक्षर को देखें और अपनी दोनों आंखों के लेंस में प्रवेश करते हुए ह्रीम मन की सारी निराशा नेगेटिविटी तनाव दूर हो रहा है इस ह्रीम की ऊर्जा से, ऐसा अपने भीतर भाव लाते हुए प्रभु के मुख से उस चमकते हुए ह्रीम बीज अक्षर को निकलते हुए देखें। सफेद रोशनी चारों तरफ फैल रही है जिसके प्रभु के श्री मुख से निकलकर हमारे मुख के भीतर वह ह्रीम बीजाक्षर प्रवेश कर रहा है। अनंत ऊर्जा से गर्भित उस ह्रीम को अपने मुख से प्रवेश करता हुआ देखें।
हमारी गर्दन में जो भी समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए उस ह्रीम बीजाक्षर को उन बाहुबली भगवान की उस गर्दन वाले हिस्से से निकलता हुआ देखें और अपने कंठ में प्रवेश करता हुआ देखें। दृष्टि प्रभु के हृदय की ओर, बड़े वात्सल्य भरे भावों से उस हृदय को देखें। मन के उन कषायों को छोड़ने के लिए, उन विकल्पों को छोड़ने के लिए प्राणी मात्र से वात्सल्य हेतु उस ह्रीम बीजाक्षर को हृदय से निकलकर अपने हृदय में प्रवेश करते हुए देखें। अपने हृदय की ओर देखें, उस प्रकाश पुंज को हृदय से फैलते हुए पूरे शरीर में देखें। उस रक्त के प्रवाह से उस ऊर्जा को मिला हुआ पूरे शरीर में देखें। जहाँ जहाँ खून का संचार हो रहा है, उसी के साथ इस ह्रीम की ऊर्जा को भी संचारित होते हुए पूरे शरीर में देखें। अपने दृष्टि प्रभु की नाभि की ओर लाएं, उस शक्ति केंद्र की ओर। उस शक्ति केंद्र से अपने शक्ति केंद्र को चार्ज होता हुआ देखें। उस ह्रीम बीजाक्षर को नाभि से निकलकर अपनी नाभि में प्रवेश करता हुआ देखें। दृष्टि प्रभु के सिर के ऊपरी भाग की ओर रखें, जहाँ वे घुंघराले बाल हैं। बीचों बीच जहाँ सिर में चोटी होती है, उस स्थान से ह्रीम बीजाक्षर को निकलता हुआ देखें। वो आकाश में व्याप्त हो रहा है, उस आकाश की यात्रा को करते हुए अपने सिर के ऊपरी भाग से प्रवेश करता हुआ देखें। समस्त विकल्पों को दूर करने वाला यह ह्रीम बीजाक्षर अपने सिर के मध्य भाग से प्रवेश करता हुआ देखें। सफ़ेद वर्ण का चंद्रमा की भांति चमकता हुआ ह्रीम जिन्हें रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, कमजोरी है, प्रभु की रीढ़ से निकलते हुए इस ह्रीम बीजाक्षर को अपनी रीढ़ में प्रवेश करते हुए देखें। एक अपूर्व शक्ति का अनुभव, एक ऊर्जा का अनुभव अपनी रीढ़ की हड्डी में देखें।
प्रभु के सर्वांग से निकलते उस ह्रीम बीजाक्षर को देखें और हमारे सर्वांग को आपूरित वह कर रहा है। मेरे शरीर के एक एक प्रदेश में वह ह्रीम की शक्ति प्रवेश कर रही है। मेरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है, मेरी मानसिकता मजबूत हो रही है। ऐसी भावना लाते हुए उन अनंत शक्ति संपन्न बाहुबली भगवान से अपने आप को जोड़ें, भावों से, भीतरी आँखों से, उस बीजाक्षर के उच्चारण से दृष्टि में उनकी छवि लाएं। वह प्रशांत मुद्रा, आनंद को बिखेरती हुई छवि, वीतरागी छवि, नाशाग्र दृष्टि, विकल्पों से मुक्त, पूर्ण, सहज, निर्विकल्प अवस्था अपने संपूर्ण को, शरीर को आपूरित होते हुए ह्रीम बीजाक्षर को देखें। भावना भाई, मेरा शरीर निरोगी है। कहें, मैं पूर्ण निरोगी हूँ, मैं पूर्ण निरोगी हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। प्रभु की शक्ति से मैं भर रहा हूँ, प्रभु की शक्ति से मैं भर रहा हूँ, मैं पूर्ण आनंद में हूँ, मैं पूर्ण आनंद में हूँ, मैं समस्त विकल्पों को छोड़ता हूँ, जाने देता हूँ, बहने देता हूँ, जो है सो है। गहरी सांस लें। के निकट लाएं, पूर्ण निर्विकल्प होकर जो हो सो हो, बोलो जो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, फिर संयोग वियोग के क्षण, फिर संयोग वियोग, घबराने से क्या, घबराने, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या।
पर दुलना में हंसना रोना, पर दुल सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखी चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन आखिर मिलता क्या, आखिर जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की परछाई, पकड़न को दौड़े परछाई पक, तू पाएगा क्या, तू पाए जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हमको क्या हमको क्या। भाव मुक्त कर कर्म फलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, विकल्प को छोड़ने का सबसे अच्छा समाधान इस पंक्ति में बताया जा रहा है। भाव मुक्त कर कर्म फलों से, कर्म का जो भी फल मिले उससे अपने भावों को हटाना है। कैसे हटाना है? साक्षी भाव से देख करके जो हो रहा है होने दो, हाँ बस जानो और देखो, जुड़ो और मुड़ो नहीं, समझ रहे हो। भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त कर, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परि उन भावों से क्या, उन भावों जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हमको क्या हमको क्या। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। बोलिए आज के आनंद की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की।